नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव ओवर इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए टेस्ट मैच में कई बार उतार चढ़ाव आया, लेकिन अंतिम दिन भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह का संघर्ष दिखाया उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। खासकर हनुमा बिहारी और अश्विन की अटूट साझेदारी ने एक हारे हुए टेस्ट को ड्रा करवाने में सफल रही। दोनों बल्लेबाज चोट के बावजूद भी पिच पर डटे रहे। हालांकि दोनों खिलाड़ी अंतिम टेस्ट मैच में टीम का हिस्सा नहीं हैं। बता दें, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा खिलाड़ियों के फिटनेस के लिहाज से बेहद ही खराब गुजरा है। टीम के 10 खिलाड़ी अब तक चोटिल हो चुके हैं। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले में हनुमा बिहारी ने चोट लगने के बाद भी 2.5 घंटे तक बल्लेबाजी कर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच बचाया था। सीरीज से बाहर हो चुके हनुमा शुक्रवार को भारत रवाना हुए। 27 साल के भारतीय बल्लेबाज हनुमा बिहारी ने सिडनी टेस्ट मैच के 5वें दिन आर अश्विन के साथ मिलकर अहम साझेदारी कर मैच ड्रॉ करवाया था। ऑस्ट्रेलिया ने 312 रन बनाकर दूसरी पारी घोषित कर भारत के सामने 407 रन का लक्ष्य रखा था। अश्विन और हनुमा ने आखिरी दिन 259 गेंद का सामना कर 62 रन की साझेदारी करते हुए मैच ड्रॉ करवाया था। बताते शुक्रवार को भारत के लिए रवाना होने से पहले हनुमा ने ट्विटर पर अपनी एक फ़ोटो पोस्ट की और लिखा, चलता हूँ फिर आऊँगा। इस फोटो के ऊपर बीसीसीआई ने जवाब देते हुए लिखा, वो दर्द में बल्लेबाजी कर रहे थे, तकलीफ में थे, लेकिन फिर भी एक पल के लिए भी लय नहीं खोई। एससीजी टेस्ट के 5वें दिन भारतीय बल्लेबाजी की लय बनाए रखी। वो आज भारत लौट रहे हैं, आपके जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हनुमा और अश्विन चोटिल होने की वजह से 4थे टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे हैं। भारत की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर और टी नटराजन को डेब्यू करने का मौका मिला। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 274 रन बनाए थे। वॉशिंगटन सुंदर ने भी 3 विकेट हासिल कर अपने पहले टेस्ट को यादगार बनाया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पर इंडिया।